नाश्ता वगैरह ले लिए हैं और अब जो अंकल जी की मतलब बेटियाँ थी जो रेडी होके आ चुकी है, तो चलो उनको दिखाते हैं आप सभी को। वो पार्लर से रेडी होके आई थी, तो चलो देखते हैं। पता नहीं यहाँ पे लाइट का फोकस है, वीडियो अच्छी नहीं आ रही, उधर नहीं ज़्यादा लाइट फोकस है, तो चलो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हो रही है मतलब दुल्हन को स्टेज पे ले जाने की, ले जाने से पहले की रस्म है जो इसके बाद ले जाएंगे स्टेज पर। वो तेल वेल छंडाते हैं, उतारते हैं, वो वाली रस्म है। तो सॉरी उस वाली वीडियो में नहीं डाल पाई थी मैं, तो इसमें डाल रही हूँ इसको, तो आप देख सकते हो। और इसके बाद लड़की जाएगी स्टेज पर वरमाला डालने के लिए, तो उसके बाद हम वरमाला बस। तो इस रस्म के बाद होगी वरमाला की रस्म, जो वरमाला की रस्म के बाद हम वरमाला की रस्म देख के और आप सभी के साथ वहाँ तक की वीडियो शेयर करेंगे, और लास्ट में खाना खा के और हम निकल जाएंगे। तो आपके साथ खाना, लास्ट तक खाना खाएंगे तब तक की वीडियो आपके साथ शेयर कर पाएंगे। तो गाइस आपको सभी को यहाँ पे दुल्हन तैयार हैं, आप देख सकते हो। आप सभी को यहाँ पे देखो दूल्हे दुल्हन के जो भाई हैं वो चुन्नी इस ऊपर ढकी हुई है, चुन्नी डाल रखी है सभी ने। तो आप देख सकते हो उधर एक दुल्हन उधर खड़ी हुई है, किधर, तो दोनों दुल्हन ही बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो वो आप सभी भी बता सकते हो कि कितनी खूबसूरत थी, आपको भी सभी को देखने को मिल रहा है। तो चलो स्टेज की तरफ चल रहे हैं अब, और चलो सभी का दर्शन करवाते हैं दूल्हों से, मतलब दोनों के पतियों से। तो चलो चलते हैं स्टेज की तरफ, और अब ये लड़कियां फूल फेंकती हुई दिखाई देंगी आप सभी को। ये फूल फेंकेंगी दूल्हा और दुल्हन के ऊपर, सभी ने प्लेट्सों में फूल लिए हुए हैं। और अब ये रस्में पहले सिटी जैसे ही वहीं मैरिज होम वगैरह में ही होती थी, पर अब नॉर्मल है, हर गांव में होती है, हर लड़की का सपना होता है सभी रस्में होना, तो आप सभी जानते हो। तो देखो अंकल जी ने बहुत ही अच्छी शादी की है और बहुत ही अच्छा एडजस्टिंग किया है एकदम सब कुछ। हर लड़कियों का सपना होता है सबका, तो और माँ बाप का कर्म और धर्म होता है कि उनको सपनों को पूरा करना जो किया है उन्होंने। तो आप चलो आपको दिखाते हैं अब्दुल्ला, स्टेज की तरफ चलते हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी शादी में, वो आप सभी को देखने को दिख ही रही है कितनी भीड़ थी शादी में, बहुत ज़्यादा। तो चलो